भगवान गौतम बुद्ध आपको ये संदेश देने आए हैं। बुद्धे भगवान कहते हैं, मेरे हिस्से में परमेश्वर ने जो भी खुशियाँ लिखी वो सब तुम्हें मिल जाए। तुम्हें जो भी सुख मिले, जो भी खुशियाँ मिले, वो सब मेरे हो जाए। आपका मुझे मिले और मेरा आपको मिले, तभी इस संसार का निर्माण हो सकता है। जिस दिन मनुष्य केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा और सबको भूल जाएगा, उस दिन मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रह जाएगा और ये संसार उसी दिन खत्म हो जाएगा। एक माँ जब ईश्वर के सामने हाथ जोड़ती है तो वो अपने सुहाग की लंबी आयु मांगती है, जिसमें उसकी आयु नहीं होती, उसके पति की होती है। वो अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य मांगती है, जिसमें उसका कोई लाभ नहीं होता। वो अपना मायका और ससुराल को बनाए रखने की मांग करती है, जिसमें उसके माता पिता और सास ससुर का जीवन छुपा होता है, लेकिन वो माँ एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अपना स्वास्थ्य, अपनी लंबी आयु या अपने लिए धन की मांग नहीं करती। इसीलिए कहा जाता है कि ये समस्त संसार माँ की दुआओं पर ही टिका है। हमें हमेशा दूसरों के लिए मांगना चाहिए, दूसरों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, तभी परमपिता परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी करते हैं और हमारी मांगों को पूरा करते हैं। यदि इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य दूसरों की खुशी ईश्वर से मांगने लगे तो ये समस्त संसार कितना सुंदर हो जाएगा और सभी एक दूसरे के संबंधी हो जाएंगे। मनुष्य और पशु में यही भेद है कि पशु हिंसक होते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर ममता, माया, स्नेह और प्रेम होता है। इसीलिए मनुष्य हमेशा ये याद रखे कि वो मनुष्य है। खुश रहिए है।